किसे देने किसे देने सुनदे बैड बैड बॉयज असी बैड बैड मुंडे दिल दे साफ। So, hey guys, what's up? It's Gumrak Singh. I'm back with more another Indus Battle Royale gameplay video. कल मैंने भाई वीडियो डाली थी अपनी, बहुत बढ़िया बंदे कमेंट कर रहे थे, पर एक सबसे मेन था कि भाई और गेमप्ले दिखाओ, और भी हमने देखना कि गेम कैसी लग रही है अब। ठीक है, अब क्लोज बीटा हमारे पास आ चुका है, हम खेल भी रहे हैं इसको, टेस्ट फेस्ट भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो अभी बहुत कम बंदों को मिला है ये टेस्ट फेस्ट के अंदर खेलने का मौका, और ये अभी iOS के अंदर अवेलेबल है, एंड्रॉइड के ऊपर काम चल रहा है और बहुत ही जल्द तुम एंड्रॉइड के ऊपर खेल पाओगे। पर अभी हमारे पास जो इंडस इनसाइडर्स हैं और कुछ जिनके पास की थी उनको मौका मिला खेलने का डिस्कॉर्ड के ऊपर, कीज का गिव अवे भी चलता रहता है, तो भाई वो ध्यान रखना। तुम डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, रजिस्टर कर लो और जाके उनका सर्वर ज्वाइन कर लो, आगे तुम्हें और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्लोज बेटा कैसे खेलना है अपने डिवाइस के अंदर, अपने घर के अंदर बैठ के, सबसे बेस्ट चीज। ठीक है, अब जो मैं ये गन यूज कर रहा हूं उसका नाम है लोकस्ट, ये मेरी ऑलमोस्ट फेवरेट सबसे मेन गन है जो ऑलमोस्ट सारे बंदे यूज करते हैं। ठीक है, और जितने भी प्रो प्लेयर्स हैं, देखो तुम देखो ना मोड़ मोड़ के लेफ्ट राइट होके क्राउच करके या किस तरह जंप कर करके, इनके डिफरेंट मैकेनिज्म है। ठीक है, अब ये जो है ये है मेली वेपन अपना। ठीक है, अगर तुम्हारे पास गन की बुलेट्स वगैरह खत्म होगी, या तुम जब एक तरह से स्पॉन होते हो शिप्स के थ्रू, जब लैंड करते हो, ठीक है, और तुम्हारे पास कोई गन नहीं है तो इसके थ्रू भी तुम मार सकते हो। अब तुम देखो थोड़ा थोड़ा ये त्रिशूल जैसा लग रहा है, अब त्रिशूल जैसा देखो, जिस तरह ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें हैं इसके अंदर इंडियन एस्पिरेशन है इसके अंदर। ठीक है, तुम्हें लगेगा कि हाँ इंडियन गेम है, तो वो लगना भी चाहिए। अब हम जिस तरह हमारा भाई राणा है वो भी सरदार बंदा वर्गर टर्बन एंड ऑल लगती है देख के, तो ये छोटी छोटी चीजें जो तुम्हें दिखेंगी इंडियन एस्पिरेशन दिखेगी वही है जो हमें एक फील देगी कि हाँ भाई अपने इंडिया का बैटल रॉयल गेम है। अब तुम देखो जैसे जंप क्राउच और ये वाला भाई, अब देखो बहुत सारे बंदे मुझे बोल रहे थे ना कि इनको एक तो टीपीपी और एफपीपी का डिफरेंस, अब देखो एफपीपी और टीपीपी के अंदर कितना डिफरेंस है तुम देखो। मैं वैसे टीपीपी के गेम प्ले डाले थे थर्ड पर्सन, पर मैं फर्स्ट पर्सन के भी डाल दूंगा गेम प्ले अगर मेरे पास रिकॉर्डेड होता है, मैं आज रिकॉर्ड कर लूंगा, आज भी जिस दिन मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ उस दिन भी हमारा आज टेस्ट होगा, टेस्ट फेस्ट होगा। ठीक है, तो क्लोज बीटा का, तो उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि एफपीपी रिकॉर्डिंग कर लूँ। अब मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट देखो अपना लोकस के तो दिखा दिया है, अब ये है शॉटगन। देखो तुम एक दो शॉट अगर तुमने मार दिए ना और बंदा तुम्हारे सामने वाला ज़्यादा ऋतिक रोशन नहीं बन रहा, मतलब जीगल जीगल नहीं कर रहा, तो तुम बहुत अच्छी तरह ले सकते हो। अगर तुम्हें मतलब अपना एम अच्छा रखना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे हाथ बैठ जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब एक इसके अंदर SMG भी है, वो भी बहुत बढ़िया है, मतलब टेम्पेस्ट करके इसका नाम है, CFA बोलता हूँ मैं तो इसको, हाँ टेम्पेस्ट करके है। ठीक है, तो ये भी बहुत बढ़िया, फास्ट है, इजी टू हैंडल है, पर लोकस थोड़ी सी मेरे को ज़्यादा, मैं उसके लिए डिस्क्रिमिनेशन करूँगा थोड़ी सी, मुझे लोकस ज़्यादा बेटर लगती है, पर ये CFA जो टेम्पेस्ट है वो भी बहुत बढ़िया है, मतलब ईजी टू हैंडल ये भी है मेरे हिसाब से, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स लोकस के बाद यही गन सेकेंड लोड आउट में रखना पसंद करेंगे अगर स्नाइपर नहीं होगी। शॉर्ट गन भी बहुत बंदे रखेंगे, तो ये कैसे लेआउट लोग क्रिएट करेंगे, कैसे कैसी कौन सी गन्स रखेंगे वो आने वाले टाइम में पता लगेगा जब टूर्नामेंट्स होंगे ई स्पोर्ट की या कुछ भी। अब तुम देखो डिफरेंट स्कोप के साथ कैसे लॉन्ग रेंज कैसे शूट करना है, कैसे हैंडल करना है। अब ऑब्वियसली ये गेम के अंदर तुम्हें मेरे हिसाब से जो ज़्यादा अच्छा प्लेयर खेल पाएंगे वो क्लो प्लेयर्स होंगे, पर डिफरेंट डिफरेंट बंदे होते हैं। अब ये रही अपनी स्नाइपर, ठीक है, अब मैंने तुम्हें असॉल्ट राइफल दिखा दी, SMG दिखा दी, शॉर्ट गन दिखा दी, अब ये रहा हमारा स्नाइपर का गेम प्ले। अब स्नाइपर के अंदर तुम देखो एक दो शॉट मारोगे ना अच्छा, अगर तुम्हारा एम हुआ ठीक है तो तुम ले पाओगे बंदे। एक और स्नाइपर कम शॉटगन है जिसका गेम प्ले भाई मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं तुम्हें पूरा लेआउट और अपनी गेम का जितना भी भाई स्किन्स कॉस्ट्यूम करेक्टर सब है ना वो मैं तुम्हें पूरे दिखाऊंगा कि क्या क्या अभी शो करें। ठीक है, तो उसका भी तुम्हें वेट करने की जरूरत नहीं है, बस आराम से लाइक सब्सक्राइब करके पॉपकॉर्न लेके बैठो, एंजॉय करो वीडियो को, अभी थोड़ी और है वीडियो, जाने का नहीं कहीं, भागने का नहीं। ठीक है, तो अब ये स्नाइपर का गेम प्ले देखो, तुम उछल उछल के तुम्हें क्राउच करके हिल हुल के भाई अच्छी तरह बंदे मारने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे सामने वाले कैसे स्काउट जैसे प्लेयर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें अपना गेम प्ले इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि गेम ये इजी होगी खेलने के लिए ठीक है, पर फिर जब प्लेयर्स और अच्छे अच्छे आएंगे ना तब होगा सीन तो असली। अब ये है भाई सबसे फैन फेवरेट, मेरी सबसे मेन जो फेवरेट गन है ठीक है, यक्षा वेपन बोलते हैं इसको ज्यादातर। ये वाली भाई शॉर्ट गन भी है स्नाइपर भी है, अगर तुम मतलब ऐसे खेलोगे ठीक है नोस को खेलोगे तो शॉर्ट गन की तरह काम करेगी, पर अब देखो उछल उछल के मारना, बिल्कुल उछल उछल के हेडशॉट मारे ठा 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 करके, और जब तुम देखो अब लॉन्ग रेंज के अंदर करना है, ये देखो भाई एक शॉट के अंदर लेगी लड़की लड़का लड़की क्या होगा ये, चलो हम इसको जेंडर स्पेसिफिक नहीं करेंगे, पर उल्का क्या हो सकता है, उल्का कोर उल्का से चलो
ठीक है, गेम प्ले के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये वाला भाई अपना देखो, तुम्हारा शॉटगन भी होगा और लॉन्ग रेंज के अंदर स्नाइपर भी होगा, बस स्कोप के ऊपर डिपेंड करता है। नो स्कोप खेलोगे तो शॉटगन की तरह काम करेगी और ये ड्रॉप के थ्रू मिलेगी मोस्टली, ठीक है, मुझे जितना याद है ड्रॉप के अंदर ही मिलती है ये, क्योंकि इतनी आसानी से हर जगह तुम्हें पड़ी हुई नहीं मिलेगी। तो इसका गेम पे देखो, इसके बाद मैं भाई तुम्हें ना अपना पूरा लॉबी और स्किन्स कॉस्ट्यूम्स भी दिखाता हूँ। अब गेम प्ले ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है ये वाला, ठीक है, फायर रिंग रेंज का। अब उसके बाद अब तुम देखो, जिस तरह जब अब ये तुम गेम ओपन करोगे तुम्हें ऐसा दिखेगा बढ़िया सा। मैंने तो सरताज भी यूज़ किया था, पर ये राणा जी हैं अपने, मुझको राणा जी माफ़ करना। तो ये भाई अब ऑब्वियसली मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ तुम्हें गैस करने की जरूरत नहीं। अब ये सारी गन्स हैं, तुम तो देख सकते हो, डिवेस्ट, ट्राइडेंट, ट्रायन, टेम्पेस्ट, वी फ्यूरी। अब मशीन गन्स भी हैं इसके अंदर, सेमी ऑटोमेटिक अपनी दूसरी गन्स भी होगी, शॉटगन भी होगी, और ये यक्षा वेपन जो था जो मैंने अभी यूज़ किया था, उल्का, ठीक है, यक्षा वेपन कहते हैं इसको सच, ठीक है। अब ये रही भाई अपने सारे के सारे करेक्टर्स, तो देख लो, सरताज हो गया, पोखरान हो गया, बालिका की वीडियो डाली थी अपने मैक बालिका, राणा जी हो गए, और ठीक है पोखरान की भी वीडियो डाली थी, मैक बालिका की भी डाली थी, और ये स्पैरो, ये सारे करेक्टर्स हैं। अभी इनके जो इमोट्स और जो इनके एक स्पेसिफिक वो होंगे ना एबिलिटीज़, उसका हमें अभी ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन देने का टाइम नहीं है। मैं अगर कुछ होता है मैं बताऊंगा, पर तुम्हें पता है कि कोई भी नई चीज़ आएगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हमारे चैनल पे तुम्हें मिल जाएगी। तो लाइक सब्सक्राइब कर देना उसके लिए, ठीक है। तो कर लो रजिस्टर, लिंक्स मिल जाएंगे सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब तो मिलते हैं, इंजॉय, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड यप, पीस आउट। तो ये रे भाई कुछ पोस्ट करे सीन, ये मैं 8 मिनट की वीडियोस करना चाह रहा था पर क्लिप शॉर्ट पड़ गई थी कुछ एडिटिंग की वजह से। तो अगर तुम ये देख रहे हो, ये थोड़ी सी हमारी गुडीज एंड ऑल है, और अगर तुम इस एंड तक पहुंच गए हो तो जो भी हल्का फुल्का हमें सामान और मर्च मैं तुम्हें थोड़ी सी दिखा रहा हूँ, तो मेरे को कमेंट में बताना कि तुमने, बस जस्ट लिख देना पोस्ट करे सीन, मैं समझ जाऊँगा कि हाँ तुमने एंड तक वीडियो देखी है। अगर नहीं देखी तो तुम कमेंट नहीं कर पाओगे। ये चीज़ बस एक लिख देना कि पोस्ट करे सीन और लाफिंग इमोजी, बस इतना लिख देना, मैं पता लग जाएगा कि मेरी हार्ड कोर ऑडियंस कौन सी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। और ये हमारा गिम्बल भी मिला था, हमारे बैग्स हो गए, और एंड के अंदर मैं रॉबी सर से जब हमारी बात हुई थी वही मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो मिलते हैं, पीस। सर बहुत बहुत मजा आया, क्या कहना चाहेंगे आप? वापस आके कैसा लग रहा है? वापस आके बहुत बढ़िया लग रहा है आपसे मिलकर। दूसरा स्टूडियो कैसा लग रहा है? दूसरा स्टूडियो बहुत अच्छा लग रहा है, बस जी कर रहा है यहीं रह जाए, बस बहुत बहुत बस लगाते हैं यहाँ पे। आपने बताया था कि वहाँ पे सोते भी थे, बस वहीं पे लगा लेंगे, बढ़िया था। आगे मिलते हैं अब सबके लिए। ये अनुराग है चंडीगढ़ से, माय सेकंड फेवरेट सिटी, क्योंकि मेरा फाउंडर उधर से ही है। हां बिल्कुल, सब लोग जो देख रहे हैं प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सर, नो मोर अबाउट इंडस एंड स्पेशली द इंडस इनसाइडर नॉलेज। आगे सीखने आएंगे बहुत सारे और रॉबी सर से मिलते रहेंगे, इधर ही से बहुत जल्द आएंगे, और अगले प्लेटर्स के अंदर होपफुली मिलते हैं रॉबी सर से। जवान होते जा रहे हैं सर हमारे नए न्यू प्लेटर्स के अंदर, तो मिलते हैं, लेट्स सी। पीस। बैड बॉयज असी बैड बैड मुंडे, बैड बैड बॉयज असी बैड बैड मुंडे, किसे देने किसे देने किसे देने सुन।